आपको पता है दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी है वो एक जापान बेस्ड कंपनी है, कॉन्गो गुमी है। 578 AD में ये शुरू हुई है और सबसे बड़ी बात है कि फैमिली ओन बिजनेस है। 2007 में उसको बेचा गया है और 1400 साल से ऊपर एक फैमिली ने चलाया है। कंस्ट्रक्शन बेस्ड बिजनेस है, पहले टेंपल बनाते थे और बाकी कंस्ट्रक्शन में उतरे। सोचिए कोई फैमिली बिजनेस भी इतना लंबा चल सकता है। फिर देखा कि सेकंड ओल्ड बिजनेस कैसा है, 705 AD में एक होटल चालू होती है, वो अभी भी चल रही है और जापानीज बेस्ड ही है। दोनों सबसे पुराने बेस जापान में ही हैं। तो ऐसा क्या है जापान में? तो बहुत सारा डाटा सर्च करा तो पता चला कि मोर देन 33,000 बिजनेस जो 100 साल पुराने हैं, 3,100 बिजनेस ऐसे हैं जो 200 साल पुराने हैं, 140 बिजनेस ऐसे हैं जो 500 साल पुराने हैं और 19 कंपनी ऐसी हैं जो 1,000 साल पुरानी है। ये सारे फैमिली ओन बिजनेस से हैं, सारी कंपनी फैमिली ओन बिजनेस है। शॉकिंग है ये सब, क्योंकि इंडिया में 200 साल भी एक फैमिली बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल है, कि 500 और 1,000 साल कैसे चला रहे हैं? सोचिए कि फैमिली बिजनेस को ये कैसे चला रहे हैं ये लोग। इन सब में सबसे पहली चीज़ है कि जो भी ये 100 साल 200 साल पुराने बिजनेस हैं, ये उन वर्टिकल्स में हैं जो कि 1,000 साल 500 साल पहले भी इम्पोर्टेंट थी और आज भी उनकी नहीं रहे, जैसे होटल, कंस्ट्रक्शन, फूड, लिकर, गेम्स। तो इन्होंने वो चीज़ें पकड़ी हैं जो बहुत सेंचुरीज तक चलती रहेंगी, जिनकी नीड मार्केट को या सोसाइटी को लगेगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट इनके बिजनेस आज भी रन कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इन लोगों ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई नहीं किया है। जिस बिजनेस में ये लोग 500 साल पहले थे, आज भी उस बिजनेस में सेम लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, ग्रो करते जा रहे हैं, बट सेम वर्टिकल में ग्रो कर रहे हैं। तीसरी चीज़ है, इन्होंने टाइम टू टाइम अपने आप को एडॉप्ट किया है, चेंज किया है, खुद को चेंज किया पर बिजनेस को चेंज किया। निंटेंडो एक कंपनी है, 200 साल पुरानी कंपनी है, इन्होंने गेम कार्ड से चेंज हुआ है, गेमिंग कार्ड जिनसे बच्चे खेलते हैं वहाँ से इन्होंने काम स्टार्ट किया, फिर वीडियो गेम्स में उतरे और आज ये वीडियो में टॉप 3 में वर्ल्ड में आती है। इन्होंने अपने आप को चेंज किया पर अपनी इंडस्ट्री को इन्होंने चेंज नहीं किया है। जो अगला पॉइंट है वो बहुत अच्छा है कि प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं वो उन्होंने डिज़ाइन किया। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप प्रोसेसिंग सिस्टम्स के बिना बहुत लंबे रन तक आप नहीं कर सकते, लॉन्ग टाइम तक। और इन बिजनेस को, प्रोसेस सिस्टम्स को इन्होंने ट्रेडिशन बना दिया। ट्रेडिशन बता के इन्होंने सेकेंड जनरेशन को ट्रांसफ़र किया, तो इसीलिए सेम प्रोडक्ट, सेम एक्सपीरियंस, सेम सर्विस, सेम एक्सपीरियंस जो उस टाइम पे मिलता था अभी भी सेम मिलते हैं। इन सब में खास बात ये है कि इन सब की कोर वैल्यूज़ हैं। हर बिजनेस की कुछ कोर वैल्यूज़ होती हैं। हर जापानीज कंपनी ने कुछ अपनी कोर वैल्यू सेट कर रखी है जिनसे ये अपने आप को कभी डिविएट नहीं करते और नेक्स्ट जनरेशन को पास करते हैं। 6 सीक्रेट है उनका, वो बहुत खास है। बिल गेट्स भी उनको फॉलो करते हैं। बिग 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 कैशिज्म, बुरे समय के लिए ये लोग कैश बचा के रखते हैं। जैसे ही पैसा आया हम लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, कोई ना कोई नया चीज़ ले ली, पर जापान में ऐसा नहीं है। इन कंपनीज के पास बहुत बड़ा कैश रिजर्व होता है फॉर रिसेशंस, जब भी इंडस्ट्री अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही तो बिजनेस को सस्टेन करने के लिए। और बिल गेट्स भी यही करते हैं, उनके लिए शायद 18 महीने का कैश रहता है कि एक पैसा नहीं कमाया तो सारी सैलरी और सारा खर्चा, इतना पैसा वो सेव करके जाते हैं। और जापान भी यही चीज़ फॉलो करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आज तक इनके बिजनेस में कभी भी रिसेशन में या परफॉर्म नहीं कर पाया, इंडस्ट्री अच्छी नहीं है तो डूबे नहीं। इनकी एक और खासियत है कि ये इनकी नेक्स्ट जनरेशन को बहुत शुरुआती दौर से ट्रेन करना स्टार्ट करते हैं। जब बच्चे 10 से 12 साल से होते हैं तो उनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं, उनको कोर वैल्यू समझाते हैं, उनकी प्रोसेस समझाते हैं, समझाते हैं कि ये उनकी फैमिली लेगेसी है जो उनको सिंघाना है। तो जब तक ये बिजनेस में आते हैं तो बहुत कुछ ये लोग आने से पहले ही बिजनेस को जानते हैं और गलती करना में बहुत कमी हो जाती है। फिर इनका एक सिस्टम ये भी बहुत अच्छा है कि अगर इनके 4 सिबलिंग हैं, 5 सिबलिंग हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस बराबर इक्वली बटेगा या सबसे बड़ा वाला भाई या बहन बिजनेस संभालेगा। यहाँ पे एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में जो परफॉर्म करता है बिजनेस उसको दिया जाता है। इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि इससे बिजनेस गलत हाथों में नहीं जाता।
ये चेक करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में सबसे अच्छा बिजनेस किस कौन चला सकता है। बिकॉज ऑफ दैट बिजनेस खराब होने या बिजनेस डूबने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि नई जनरेशन नहीं आना चाहती या कैपेबल नहीं होती, तो ये लोग सेम इंडस्ट्री से या अपनी कंपनी से एक बंदे को एडॉप्ट करते हैं और उसको पूरा बिजनेस को ट्रांसफर करते हैं। सुजुकी मोटर्स का एक केस बताते हैं, जो इनके लास्ट ओनर थे ओसामा सुजुकी, ही वॉज एन अडॉप्टेड चाइल्ड, और इन्होंने बिजनेस को बनाया, मल्टीपल फोल्ड ग्रो किया, क्योंकि इस समय कोई और नहीं था जो बिजनेस को रन कर सके या ग्रो कर सके। आखिरी सीक्रेट जो हर कंपनी के अंदर होना ही चाहिए, ये सारे फैमिली बिजनेस बहुत कस्टमर फोकस हैं, इनकी कस्टमर सर्विस बहुत स्ट्रांग रहे, इनकी कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत रहे, सो दैट कस्टमर हमेशा रिपीट हो या रेफरल हो। ये हर बिजनेस में होना चाहिए, चाहे फैमिली बिजनेस हो, चाहे जापानीज बिजनेस हो, चाहे इंडियन बिजनेस हो। तो कस्टमर पे तो आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। दीज आर द सीक्रेट्स जहाँ पे जापान कई सालों से अपने बिजनेस को चला पा रहा है। अब आप भी देखिए कि इनमें से आप क्या क्या चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस में।